ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस ग्राउंड को ठीक करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे पास इससे पहले भी बहुत बड़ा ग्राउंड था, लेकिन उसमें अब चूँकि मंडी स्टार्ट हो गई है तो उसकी वजह से हमारे पास अभी खेलने के लिए तक रहा कुछ नहीं था। फिर इसी में हम थोड़ा बहुत गुजारा कर लेते थे, खेलते थे थोड़ा बहुत, लेकिन ये खेलने के लायक भी नहीं था। पिछले साल से जो यहाँ पर हमने देखा है इनका भी बहुत इसमें बहुत बड़ा राहत रहा है। इन्होंने पिछले एक साल से ये काम स्टार्ट किया है इसका, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इन्होंने इसको खेलने के लायक बना लिया था, लेकिन अभी उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत थी, जो अभी आप देख रहे हैं अभी काम चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। और जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है, अगर हम देखें तो आजकल ग्राउंड तो हर किसी के, हम कह रहे हैं चाहे हम खेले यहाँ पे या कोई शाम को आके यहाँ पे, तो हज़ार आदमी हमको बैठते ही थे, क्योंकि इस ग्राउंड में अच्छी खासी घास भी आती है। सेहत के लिए, सेहत नशोनुमा के लिए, इंसान की नशोनुमा के लिए खेलकूद का बहुत बड़ा ये इसमें ये रहता है, हाथ रहता है। अगर हम इसकी वजह से देखें, हमने भी रिक्वेस्ट की थी इस ग्राउंड की के लिए, अभी फेंसिंग आई है इसमें, अभी इसमें लेवलिंग आई है, अभी 2-3 दिन तो इसमें लगेंगे, फिर इसके बाद इंशाल्लाह तला ये ठीक हो जाएगा, खेलने के लायक हो जाएगा। ये ग्राउंड वाकई में बहुत ही अच्छा ग्राउंड है और बहुत ही इनिशिएटिव स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जो बीटीवी फर्स्ट में उन्होंने लिया है, जो ये लोकल्स की डिमांड थी। तो ये सबसे पहले इसकी मुफादियत ये है कि बाय नेशनल हाईवे और फ्रूट मंडी के सामने ये ग्राउंड है, इस पे जो फीलिंग हुई है, इससे जो यूथ है, कॉमन यूथ है, उनमें इस खेलों की तरफ रागिब हो जाएंगे। जो आजकल हमारा जो ड्रग मेनियंस का जो लत लग रही है हमारे नौजवानों को, इससे अच्छा है कि वो अगर इस खेलकूद की तरफ रागिब हो जाए तो इन लोकल्स को यहाँ बहुत ही फ़ायदा मिलता है।